हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि मुनि। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 15 वीडियो इस कंपैरिजन वाली सीरीज में, और आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया को एक ऐसे कंट्री के साथ जो कि हाल ही में न्यूज़ में बनी हुई है। हाँ, तो आज हम इंडिया को कंपेयर करेंगे एक यूरोपियन कंट्री के साथ जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो बिना किसी डिले का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है जिसमें रेड कलर, व्हाइट कलर और वापस से रेड कलर है, तो ये ऑस्ट्रिया का फ्लैग है। ठीक है, और ये जो आपको साइड में जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे प्यारे भारत का फ्लैग है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो ये जो मैप, जो पॉलिटिकल मैप है, तो वो इंडिया का मैप है जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बट बहुत सारे लोगों ने जो ऑस्ट्रिया का मैप है तो वो नहीं देखा होगा। तो ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसके जो मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिसमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ऐसी सारी कंट्रीज आती है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है और या फिर इस जो ऑस्ट्रिया का मैप है तो इसे बारीकी से ऑब्जर्व करना है, तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं, या फिर ये जो वीडियो है ये वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देन आगे जाते हैं। अभी दोनों देश के बीच, यानी कि दोनों नेशंस के बीच क्या क्या रिलेशंस है, मतलब यानी कि रिलेशंस जो है दोनों देश के बीच में, तो वो कैसे है, मतलब स्वीट है, खट्टे है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ऑस्ट्रिया और इंडिया के बीच में, तो वो इस्टेब्लिश हुए थे मई 1949 के बाद। मतलब जैसे कि हमारा जो इंडिया है तो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद उसके 2 साल बाद जो इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस, जिसे आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बोल सकते हैं, तो वो इस्टेब्लिश हुए थे। तो किन लोगों ने, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो कौन थे? तो हमारे भारत की तरफ से जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो थे। और जैसे कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वहाँ पे यानी कि ऑस्ट्रिया में चांसलर जिन्हें जिसे आप बोल सकते हैं, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो फर्स्ट चांसलर थे लियोपोल्ड फिग, उनके बीच में और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे तो वो इस्टेब्लिश हो गए। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू यानी कि ऑस्ट्रियन नेशनल बैंक के हिसाब से, वो जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब जो रिपोर्ट 2018 में पब्लिश हुआ था, तो उसके हिसाब से इंडिया ने, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रिया ने इंडिया में 532 मिलियन यूरोस का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था, और उसी साल इंडिया ने ऑस्ट्रिया में 128 मिलियन का मिलियन यूरोस का आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया था। तो मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों देश के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है तो वो भी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंडिया ने ऑस्ट्रिया के साथ कौन कौन सी ट्रीटीज या फिर एग्रीमेंट साइन किए हुए। तो 1989 में सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। ठीक है, देन 1997 में एक आप बोल सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, जिसका नाम था एयर सर्विसेज। ठीक है, देन दोनों देश के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिसके तहत जो अगर इंडियन अगर ऑस्ट्रिया में कमाई कर रहा है या फिर आप बोल सकते कमा रहा है, तो उसको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब ऑस्ट्रिया में अलग टैक्स देना ना देना पड़ेगा, या फिर इंडिया में जाके भी अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बस सिंगल टैक्स उस पर लागू होगा। ठीक है, और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट भी दोनों देश के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अराउंड 31,000 इंडियंस, मतलब आप बोल सकते कि लगभग 31,000 जो भारतीय नागरिक है तो वो ऑस्ट्रिया में रहते हैं। उनका आप बोल सकते कि मतलब आप ऐसा भी हो सकते हैं कि पहले इंडियंस थे तो अभी वो ऑस्ट्रिया के आप बोल सकते कि नागरिक है। ठीक है, और जो मेजोरिटी पीपल है, मतलब जो मेजोरिटी इंडियंस है, तो वो कौन कौन से राज्य से आते हैं, तो केरला और पंजाब में से जो लोग है तो वो निकल के वहां पे रह रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब मेजोरिटी जो है तो वो केरला और पंजाब से निकल के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेवरल इंडियन आर्टिस्ट, मतलब बहुत सारे जो इंडियन आर्टिस्ट है तो उन्होंने ऑस्ट्रिया में जाके परफॉर्म किया है, वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं उनके लिए भी, और जो ऑस्ट्रिया के जो सिटीजन है तो उनके लिए भी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है तो वो आप बोल सकते कि होल वर्ल्ड, मतलब लगभग पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, और जो इंडियन टूरिस्ट है तो वो भी ज़्यादा नंबर में ऑस्ट्रिया को एनुअली विजिट करने जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो ये रिलेशंस थे दोनों देश के बीच में। तो रिलेशंस के साथ कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, तो चैलेंजेस क्या है तो वो मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इश्यूज बिटवीन नेशंस क्या है। तो ज्यादा इश्यूज तो नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, बट 2020 में एक टेरर अटैक हुआ था वियना में, वियना जो कि कैपिटल भी है ऑस्ट्रिया की,
और आप बोल सकते कि लार्जेस्ट सिटी भी है। और उसमें क्या हुआ था कि जो गनमैन थे, मतलब जिनके पास आप बोल सकते कि बंदूक थी, जिनके पास हैंडगन्स थी, तो वो वियना में जाके अलग अलग जो लोकेशंस है तो वहां पे जाके लोगों को मार रहे थे। और क्या है ना कि वियना में जो इंडियन कम्युनिटी है तो वो भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इंडियन एम्बेसी ने, जो इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रिया में है, तो उन्होंने कहा, बोल सकते कि कॉशन इश्यू किया था जो इंडियन कम्युनिटी है वहां पे, ताकि वो सेफली रहे वहां पे। ठीक है, उसके बाद अभी जो आप बोल सकते कि फ्रेश जो एक इश्यू निकल के आया है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, तो क्या हो रहा है कि जो सर्बिया सर्बिया से निकल के, मतलब आप बोल सकते एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ इंडियंस, मतलब बहुत सारे लोग इलीगली माइग्रेशन कर रहे हैं सर्बिया से ऑस्ट्रिया में, जो कि ऑस्ट्रिया के जो इकोनॉमिक आप बोल सकते इकोनॉमी है तो उस पर स्ट्रेन बढ़ा रहा है, तो जो कि एक इश्यू है। और 2022 में क्या हुआ था कि 18,000, मतलब लगभग 18,000 लोगों ने, 18,000 भारतीय लोगों ने वहां पे ऑस्ट्रिया में जाके, मतलब बोल सकते कि रेफ्यूज लिया था, असाइलम लिया था। तो ये दोनों देश के बीच के जो चैलेंजेस है तो वो है, तो वो ये जो चैलेंजेस है तो वो अभी मतलब जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दिन आगे जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन जो है, तो इंडियंस हमारा जो कल्चर है तो वो ऑस्ट्रिया में स्प्रेड कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में स्प्रेड करने का मतलब होता है कि यूरोप में भी स्प्रेड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि पॉजिटिव पिक्चर है हमारे भारत की तरफ से। और ये एक निगेटिव पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि मतलब जो इलीगली माइग्रेट हो रहे हैं तो उनकी भी एक पिक्चर जो कि एक निगेटिव साइड दिखाती है तो रिलेशंस के बीच में। तो ये हुए इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच के रिलेशंस, ठीक है, और इश्यूज। ठीक है, आगे जाते हैं। अभी हम दोनों देश के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वही ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, देन इंडिया का एंथम है जन गण मन, वही ऑस्ट्रिया का एंथम है नेशनल एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, देन इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वही ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, देन इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है मुंबई, वही ऑस्ट्रिया की लार्जेस्ट सिटी है वियना, जो कि कैपिटल सिटी भी है ऑस्ट्रिया की। देन इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है 15th of August 1947, वही ऑस्ट्रिया का नेशनल डे, ना कि इंडिपेंडेंस डे, तो वो कंसिडर किया जाता है 26 अक्टूबर को। ठीक है, देन इंडिया के प्रेसिडेंट है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, वही ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट है एलेक्सेंडर वैंडेर बेलन। ठीक है, देन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, वही ऑस्ट्रिया के चांसलर, मतलब जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वहां पे चांसलर होते हैं, तो चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया है कार्ल नेहमर। ठीक है, देन इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश, वही ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें जो इंडियन पीपल है तो वो ऑस्ट्रिया में मतलब हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जिसका मतलब मैंने आप बोल सकते कि हेडिंग बनाया तो एशिया मीट्स यूरोप, तो मतलब हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और जो ऑस्ट्रिया है तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, देन इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वही अगर हम आप बोल सकते कि ऑस्ट्रिया का एरिया देखेंगे तो ऑस्ट्रिया का एरिया बहुत छोटा है, जो कि है 83,871 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देन इंडिया की पॉपुलेशन है 141 करोड़, तो 2023 में शायद हम हो सकते कि चाइना को सरपास कर जाए। ठीक है, देन ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन है 90,27,999, जो कि 2022 के हिसाब से डेटा है। देन इंडिया में मेजोरिटी रिलीजन है हिंदुइज्म, जिसे 79.8% पीपल फॉलो करते हैं, वही ऑस्ट्रिया में मेजोरिटी रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, जिसे 64.1% पीपल फॉलो करते हैं। ठीक है, देन इंडिया का गवर्नमेंट टाइप है फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, वही अगर हम ऑस्ट्रिया का गवर्नमेंट टाइप देखेंगे तो वह है फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको अभी अभी तक तो समझ गया होगा कि फेडरल का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देन अगर जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से इंडिया की देखेंगे तो कितनी जीडीपी है इंडिया की, 3.46 ट्रिलियन डॉलर है। वही जीडीपी अगर नॉमिनल जीडीपी अगर हम ऑस्ट्रिया की देखेंगे तो वो है 479.820 बिलियन डॉलर। ठीक है, और अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की जीडीपी देखेंगे तो वो है 11.66 ट्रिलियन डॉलर। वही अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी अगर हम ऑस्ट्रिया के देखेंगे तो वो है 582.130 बिलियन डॉलर। ठीक है, इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी, वही ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। ठीक है, देन आगे जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं ब्लेंड ऑफ कल्चर, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो महिला है तो इंडियन आप बोल सकते हैं वुमन है, और ये जो आप में साइड में दिखाई दे रहे हैं तो ये ऑस्ट्रिया के सिटीजन है जिन्होंने आप बोल सकते हैं कि इंडिया के कल्चर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये ब्लेंड ऑफ कल्चर हो जाता है। ठीक है, देन आगे जाते हैं तो इंडिया में मेन इंडस्ट्रीज देखेंगे तो जिसमें आयरन एंड स्टील, देन आईटीज, टूरिज्म, देन मेडिकल। ठीक है, तो ये मेन इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। वही अगर ऑस्ट्रिया की मेन इंडस्ट्रीज देखेंगे जिसमें फूड एंड ड्रिंक, स्टील, केमिकल्स, तो ये सब चीजें मतलब इंडस्ट्री जो है तो वो अभी ग्रो हो रही है। ठीक है, लिटरेसी रेट देखेंगे इंडिया का, तो इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.7%। वही लिटरेसी रेट अगर आप ऑस्ट्रिया का देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में आप बोल सकते हैं कि लगभग 98% वहाँ पे जो जनता है तो वो लिटरेट है। तो यहाँ पे इंडिया को काम करने की जरूरत है। ठीक है, देन अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6%, वही ऑस्ट्रिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.3%। तो ऑस्ट्रिया को इस चीज पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंडिया में है 70.42 ईयर्स 2023 के हिसाब से, मतलब इंडिया में एक इंसान लगभग 70 साल जी लेता है। ठीक है, वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अगर आप ऑस्ट्रिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में 82.05 ईयर्स है 2023 के हिसाब से, मतलब ऑस्ट्रिया में लगभग एक आध इंसान 82 साल जी लेता है, मतलब इंडिया से मतलब इंडिया के लोगों से 12 साल ज्यादा जीता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में इंडिया का देखेंगे तो जिसमें तो इंडिया का इंडेक्स है 0.63 जो कि मीडियम कंसिडर किया जाता है। वही अगर ऑस्ट्रिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो वो है 0.916 जो कि वेरी हाई कंसिडर किया जाता है, मतलब इंडिया में जो ह्यूमन डेवल सॉरी ऑस्ट्रिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है तो वो ज्यादा है इंडिया से, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर गिनी इंडेक्स देखेंगे तो गिनी इंडेक्स में इंडिया का इंडेक्स है 35.7 जो कि मीडियम कंसिडर किया जाता है, और जो गिनी इंडेक्स है ऑस्ट्रिया का तो वो है 26.7 जो कि लो कंसिडर किया जाता है, और ये हमेशा लो ही होना चाहिए, मतलब जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है बिटवीन बिटवीन रिच एंड पुअर तो वो हमेशा कम ही होना चाहिए। ठीक है, देन एयरपोर्ट्स देखेंगे तो इंडिया में मेजर एयरपोर्ट्स है 137। वही अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करेंगे ऑस्ट्रिया में तो वह 6। देन मराइन पोर्ट्स जो कि मेजर मराइन पोर्ट्स है इंडिया में, तो इंडिया में 13 मेजर मराइन पोर्ट्स है। वही अगर मेजर मराइन पोर्ट्स अगर हम ऑस्ट्रिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में 4 मेजर मराइन पोर्ट्स हैं। ठीक है, देन आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर है ऑस्ट्रिया के, ठीक है, और ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, तो उन्होंने एक मतलब इन दोनों देश के बीच में एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत जो रेफ्यूजीज जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है ऑस्ट्रिया में तो उस पे काम करेंगे दोनों देश मिलके। ठीक है, तो उसकी पिक्चर है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से इंडिया का इंडेक्स है 52। वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑस्ट्रिया में देखेंगे तो 85 इंडेक्स आता है उसका, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, उसके बाद करप्शन इंडेक्स देखेंगे इंडिया में तो करप्शन इंडेक्स है 60 जो कि बैड कंसिडर किया जाता है। वही अगर ऑस्ट्रिया का करप्शन इंडेक्स देखेंगे तो वही 26 जो कि गुड कंसिडर किया जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में जो करप्शन है तो वो लगभग ना के बराबर है। देन हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का नंबर है 36, वही हेल्थ इंडेक्स में ऑस्ट्रिया का नंबर है 97। तो अभी आपको रीजन पता चल गया कि ऑस्ट्रिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है तो वो इंडिया से ज्यादा क्यों है। ठीक है, एवरेज इनकम की बात करेंगे तो इंडिया में लगभग एक आध इंसान मतलब एक इंसान का एवरेज इनकम होता है 2170 US डॉलर्स। वही एवरेज इनकम अगर आप ऑस्ट्रिया में देखेंगे तो एक आध मतलब एक इंसान का वहां पे एवरेज इनकम है 52,210 US डॉलर्स, मतलब आप समझ सकते कि कितनी ज्यादा गैप है दोनों देश के बीच में। ठीक है, अगर CO2 इमिशंस की बात करेंगे तो CO2 इमिशंस इंडिया करता है 2.46 बिलियन टन इमिट करता है CO2। वही अगर ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया 64.77 मिलियन टन CO2 इमिट करता है साल भर में। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में है 5.13%। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट अगर हम ऑस्ट्रिया का देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में बहुत कम है जो कि 2.77%। ठीक है, अगर डिफेंस बजट देखेंगे इंडिया का तो इंडिया अपने डिफेंस पे 76.88 बिलियन डॉलर्स का खर्चा करता है। वही अगर हम डिफेंस बजट अगर हम ऑस्ट्रिया का देखेंगे तो ऑस्ट्रिया का डिफेंस बजट है 468.14 बिलियन यूरोज, ना कि डॉलर्स। तो ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मिलिट्री पावर रैंकिंग के हिसाब से अगर हम इंडिया का नंबर देखेंगे तो इंडिया फोर्थ इंडेक्स पे आता है, मतलब फोर्थ पोजिशन पे आता है। वही अगर मिलिट्री पावर रैंकिंग के हिसाब से ऑस्ट्रिया का नंबर देखेंगे तो ऑस्ट्रिया 84th नंबर पे आता है, मतलब
आप बोल सकते कि जो डिफेंस है तो उस पर ज्यादा खर्चा नहीं करता है ऑस्ट्रिया, बाकी चीजों पे ज्यादा खर्चा करता है, जैसे कि हमने हेल्थ वगैरह में देख लिया है, देन करप्शन पे देख लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन पे देख लिया है, बट हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे एक साइड में पाकिस्तान है और एक साइड में चाइना है, तो हमें हमारे डिफेंस को मजबूत करना पड़ता है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो एक पिक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो फॉरेन मिनिस्टर है ऑस्ट्रिया के, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पीएम नरेंद्र मोदी, तो इनके बीच की एक पिक्चर है। और यहाँ पे जो एलेक्जेंडर शालनबर्ग है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ऑस्ट्रिया के, तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि आई वॉन्ट मोर। तो आई वॉन्ट मोर का मतलब है कि जो इंडिया के साथ जो ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स जो साइन हो रहे हैं, जो टाइज उनके साथ, मतलब जो टाइज इंडिया के साथ उनके देश के बन रहे, तो वो ज्यादा बने, और उनके साथ साथ मतलब बोल सकते कि इंडिया जैसे ग्रो हो रहा है तो वैसे ही ऑस्ट्रिया भी ग्रो हो, और ऑस्ट्रिया की मदद से इंडिया भी ग्रो हो, मतलब एक दूसरे का साथ दे के दोनों भी देश जो है तो वो ग्रो करे, डेवलप हो जाए। तो मतलब ऑस्ट्रिया जो है तो ऑस्ट्रिया पहले ही डेवलप है, तो ऑस्ट्रिया की मदद से हम जो डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलप हो जाए, तो ये सब हम चाहते हैं। और दोनों देश के बीच की जो टाइज है तो वो और स्ट्रांग हो जाए, तो ये भी हम चाहते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू।